हेलो, वेलकम टू एसपी कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपटीशन, राइट? कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्ज़ाम में, नियर बाय 45 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल 45 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो 45 मार्क्स इस चैप्टर से आएंगे, यानी कि टैक्स में अगर कुछ आएगा तो यही ये सम आएगा और इसके ऊपर ही सम आएंगे। बट ये चैप्टर करने के लिए हमें पहले से टैक्स की सब थ्योरी याद होनी चाहिए। अगर आपको थ्योरी नहीं याद है तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, राइट है? सो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये पांचों की थ्योरी बाय हार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा डिडक्शंस की थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये छः की थ्योरी आपको याद है तब जाके ये चैप्टर आप कर सकते हैं, क्लियर है? पहले हम समझते हैं ये है क्या ये चैप्टर में। नाउ जब कभी भी हम कंपटीशन की बात करेंगे तो हमें याद रखना है दो चीज़। पहली हम बात करेंगे इनकम साइड की, यानी कि मेरी इनकम कहाँ कहाँ से हो रही है। फिर मैंने जो इनकम कमाई उसमें मुझे कौन से चीज़ पे डिडक्शन मिल रहा है, ठीक है? इनकम में हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 5 हेड्स के टोटल का जो आंसर आएगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, ठीक है? ये इनकम में से ये डिडक्शन माइनस होगा, और डिडक्शन हमें ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में किया था 80C से लेके 80U तक, राइट? अब डिडक्शन में दो चीज़ें हैं। एक, डिडक्शन में मेरी इनकम कितनी हो रही है, सॉरी पहले हम डिपॉजिट की बात करते हैं, मैं कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ और उस पर मेरी इनकम क्या क्या हो रही है, राइट? तो कुछ डिडक्शन जो इनकम पे मिलती है और कुछ डिडक्शन है जो डिपॉजिट करने पे मिलती है, राइट? तो 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन हमें देखना है। तो ये और ये आंसर में से जब हम डिडक्शन को माइनस कर देंगे और जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा नेट टैक्सेबल इनकम, राइट? मतलब ये अमाउंट पे मैं टैक्स पे करूँगा, ये अमाउंट पे मैं टैक्स पे करूँगा, क्लियर है? और जब मुझे ये अमाउंट मालूम पड़ गया कितना टैक्स है, मतलब मुझे कितने अमाउंट पे टैक्स देना है, तब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी, ओके? तब हम कैलकुलेट करने जाएंगे टैक्स लायबिलिटीज। सो टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है वो एक तो हमें सीखना है, और दूसरा ये इनकम। सो मैं बात कर रहा हूँ टैक्स लायबिलिटीज़ की। सो टैक्स लायबिलिटी बहुत सिंपल है। जो भी अगर हमारी इनकम, हम बात कर रहे हैं अगर मेरी एज बिलो 60 ईयर्स, तो 0 to 2,50,000 तक अगर मेरी इनकम हुई तो मैं कोई भी टैक्स नहीं दूंगा। अगर मेरी ये इनकम 2.5 लाख से कम है तो मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो मैं 10% टैक्स पे करूँगा, और अगर मेरी इनकम 5 लाख to 10 लाख है तो मैं 20% टैक्स पे करूँगा, और अबाउट 10 लाख है तो मैं 30% पे करूँगा, क्लियर है? ये हो गई बिलो 60। अब हम बात करते हैं अबाव 60। अगर किसी की एज 60 ईयर से अबाव है तो 0 to 3 lakhs वो कोई टैक्स नहीं देगा। 3 lakhs to 5 lakhs वो 10% पे करेगा। 5 lakhs to 10 lakhs वो 20% पे करेगा, और अब अबाव ₹10 lakhs होगा तो वो 30% टैक्स पे करेगा, क्लियर है? ये हो गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। इसमें एक और आता है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, बट वो हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका डिडक्शन कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। जिसकी एज
अबाउ 80 ईयर्स है तो वो 0 to 5 lakhs कोई टैक्स नहीं देगा, 5 lakhs to 10 lakhs वो डायरेक्टली 20% पे करेगा, और अबाव 10 lakhs वो 30% पे करेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे एसएससी के एज के ऊपर। अगर हमारी एसएससी की एज बिलो 60 तो हम ये फॉलो करेंगे, अबाव 60 तो ये फॉलो करेंगे, और अबाव 80 है तो ये फॉलो करेंगे, राइट है। ये नॉर्मल पर्सन के लिए, ये सीनियर सिटीजन के लिए, और ये सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, क्लियर है राइट। ये कब फॉलो करना है, जब हमारा ये आंसर आ जाएगा तब हम ये फॉलो करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमें जो सम दिया है उसमें कौन सी इनकम है, ये हेड्स में से कौन सी इनकम है। उसके बाद हम पता करेंगे कौन से डिडक्शंस हैं, ये इनकम को प्लस करने के बाद हम डिडक्शन को माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। इसके अलावा मैंने डिडक्शन चैप्टर में एक सेक्शन छोड़ दिया था, सेक्शन 87A, ठीक है, तो हम उसके बारे में भी देखेंगे कि वो सेक्शन क्या है, राइट है। बट जब ये हमारा आंसर आ जाएगा मैं तुम्हें तब समझाऊंगा, जब हम सम करेंगे तब हम सेक्शन 87A के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा सम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी बुक का ही है, अगर आपके पास हमारे क्लासेस का नोट्स है तो वो देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, मिसेस दीपाली एज 40 ईयर्स, ठीक है, 40 ईयर्स एज है, इट मीन्स हम बिलो 60 वाला फॉलो करेंगे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे। वर्किंग विद मिसेस गुड कंपनी लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चर ऑफ टायर बेस्ड एट मुंबई, ठीक है, वो कहाँ काम करती है, प्राइवेट कंपनी में, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक है। रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट, ओके, चलिए, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17, हमारा प्रीवियस है 16-17 है तो हम 16-17 फॉलो करेंगे, 16-17 फ्रॉम हर एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी 60,000, अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी याद है तो बेसिक सैलरी क्या होती है, टैक्सेबल, तो मैंने टी लिख दिया। डीएनएस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब हमारे सैलरी का 40% डीएनएस अलाउंस, और डीएनएस अलाउंस पे क्या होता है, टी, टैक्सेबल, क्लियर है। हमें ये पता करना है कि कौन से हेड है, तो अभी सैलरी की बात चले तो मैं सैलरी फॉलो कर रहा हूँ, तो सैलरी के जितने भी थियरी है वो आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल, टीएनएस अलाउंस टैक्सेबल। हर एम्प्लॉयर हैव टेकन ऑन रेंट हर ओन हाउस ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 15,000 एंड सम हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रेसिडेंस ऑफ मिसेस दीपाली, अच्छा अपन समझते हैं, हर एम्प्लॉयर मतलब उसके बॉस ने एक घर रेंट पे लिया, हैव टेकन ऑन रेंट हर ओन हाउस ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 15,000, मतलब बॉस ने अपना ही घर रहने के लिए किसको दे दिया, अपने एम्प्लॉय को, एंड सम हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर रेसिडेंस ऑफ मिसेस दीपाली, कंपनीज रिसीव 2,000 पर मंथ एज रेंट ऑफ हाउस, अच्छा अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने अपना घर जिसका मंथली रेंट कितना होना चाहिए था 15,000, बट उसके अगेंस्ट में वो कितना रुपया ले रहा है सिर्फ उससे 2,000, तो मैं ऐसा कहूँ कि एक्चुअली में मिस दीपाली को 13,000 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट है, अगर वो बाहर जाके घर लेती तो उसको 15,000 पे करना पड़ता, बट अब वो घर कितने में पे करना पड़ रहा है, सो सिर्फ 2,000 रुपीस। अच्छा अब पहले तो ये पता करते हैं कि ये अलावेंस है कि परक्विजिट्स है। देखिए सम के हिसाब से उसने उसको कैश बेनिफिट नहीं दिया है, उसने उसको घर रहने के लिए दिया, इट मीन्स ये परक्विजिट्स है, काइंड में बेनिफिट, और काइंड बेनिफिट का अगर आपको थियरी याद है, मतलब परक्विजिट का मिस्टर जेलिस टीसी जो हमने थियरी ऑलरेडी की हुई है, तो वो थियरी के हिसाब से हाउस रेंट अलाउंस ऐसा कोई भी नाम उसमें नहीं है, राइट है ना। तो 15,000 में 3,000 माइनस हो जाएगा और 13,000 क्या हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल, क्लियर है, ये हम सैलरी में चल रहे थे भी 39 टैक्सेबल। मिस दीपाली हैज द फर्दर फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, सी हैज पेड प्रोफेशनल टैक्स 6,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16 and 17, अच्छा उसने प्रोफेशनल टैक्स पेड किया। अब याद करो प्रोफेशनल टैक्स की थ्योरी क्या थी,
प्रोफेशनल टैक्स के हिसाब से मैंने बताया था पेड बाय एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय पेड करता है तो डोंट इंक्लूड ओनली डिडक्शन, मतलब हम टैक्स नहीं माइनस करेंगे, पहले इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्टली डिडक्शन देंगे। और यहाँ पर कौन पेड कर रहा है, सी पेड, मतलब वो दीपाली खुद पे कर रही है, तो उसके लिए क्या मिलेगा, सिर्फ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, बराबर है। फिर सी इज ओइंग ओनली वन हाउस एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 1,75,000 एंड प्रिंसिपल 1,00,000 रुपीज वॉज मेड फॉर हाउस लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस। वापस समझते हैं, सी हैज ओइंग ओनली वन हाउस, उसके पास एक घर है, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1,75,000, अच्छा, एंड प्रिंसिपल अमाउंट 1,00,000 वॉज मेड फॉर हाउसिंग लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ हाउस। देखिए उसने टोटल पेमेंट कितना किया, 1,75,000। ये 1,75,000 में 1,00,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट उसने पेड किया तो याद करो ATC का डिडक्शन, ATC में मैंने लंप एंड ट्राइज बताया था, उसमें R था रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। अगर मैं अपने हाउसिंग लोन का पेमेंट करता हूँ तो मुझे ATC का डिडक्शन मिलेगा, तो ये 1,00,000 रुपये ATC में चले गए। अच्छा तो उसने पेमेंट कितना किया, 1,75,000, ये 1,75,000 में से तो 1,00,000 क्या बन गया, ATC, तो बैलेंस कितना बच गया, 75,000। ये 75,000 इंटरेस्ट है उसका, तो ये चला गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, कितना, सिर्फ 75,000, जो बैलेंस बच गया 75,000, क्लियर है। आगे देखते हैं, सी हैज ऑल्सो टेक अ लोन ऑफ 2,00,000 फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, अच्छा, फॉर स्टडी ऑफ हर सन। अच्छा उसने लोन किससे लिया, एम्प्लॉयर से लिया, ठीक है, कितने रुपए, 2,00,000 रुपए, किसके लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए। SBI रेट फॉर सच लोन इज 10%, हर एम्प्लॉयर हैज रिकवर्ड ₹10,000 एज इंटरेस्ट फ्रॉम हर सैलरी फॉर सच लोन ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा अब उसके एम्प्लॉयर ने क्या किया, देखिए लोन कितने का लिया, 2,00,000 रुपए का लिया, किससे, एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर ने कितना चार्ज किया, सिर्फ 10,000 रिकवर्ड किया, तो 2,00,000 के पीछे एम्प्लॉयर ने रिकवर्ड किया कितना, 10,000 इंटरेस्ट। तो पहले तो हमें इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा कि 10,000 रुपीज रिकवर्ड किया है, कितना रिकवर्ड किया है, तो 10,000 डिवाइड बाय 2,00,000 इंटू 100, मतलब उसने सिर्फ 5% चार्ज किया है। एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट कितना चार्ज किया, एम्प्लॉयर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है सिर्फ 5%, ठीक है, बट SBI के रेट के हिसाब से 10% चार्ज करना चाहिए था, इसका मतलब 5% का बेनिफिट आज दीपाली को हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5% एक्स्ट्रा जो बेनिफिट वो टैक्सेबल हो जाएगा। जैसा कि आपको थ्योरी याद है मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट है, अगर आपको थ्योरी याद होगा पक्यूजेट का मिस्टर जेलिस DC में आए इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के हिसाब से 20,000 तक कोई चार्ज नहीं, बट 20,000 के अबाव लोन लिया तो उस पर चार्ज होगा। तो उसने लोन कितने का लिया, 2,00,000 रुपये का, ये 2,00,000 में से 20,000 तक कोई इंटरेस्ट नहीं, बट 1,80,000 तो एक्सेस हो गया, और वो 1,80,000 पे कितना परसेंट, लेना चाहिए था 10, एम्प्लॉयर ने लिया 5%, तो 5% का प्रॉफिट हो गया, तो 1,80,000 का 5% मीन्स 9,000 क्या हो जाएगा, टी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में, ठीक है, ओके। इसके अलावा उसने जो इंटरेस्ट पेड किया एक्चुअल में कितना किया एम्प्लॉयर को, 10,000, कैसे 10,000, 2,00,000 पे 5%, तो 10,000 जो उसने इंटरेस्ट पेड किया वो चला जाएगा डिडक्शन में, कौन सा, ATE का डिडक्शन। क्यों ऐसा, क्योंकि उसने लोन लिया है किसके लिए, स्टडी के लिए, और किसके लिए, अपने बेटे के लिए, वो हायर स्टडीज है, इसलिए 2,00,000 पे जितना उसने इंटरेस्ट पेड किया वो ATE में चला गया, बट उसने लोन एम्प्लॉयर से लिया था, अगर यही लोन वो बैंक से लेती तो यहाँ पर ये सब चीज़ें अराइज नहीं होती, पर उसने लोन किससे लिया, एम्प्लॉयर से, इसलिए हमें ये एम्प्लॉयर का रूल फॉलो करना पड़ा, ओके इतना सही सम है। तो अब सम में क्या क्या है, एक तो है इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट है, इसके अलावा सब में और कोई भी इनकम नहीं है। डिडक्शन की बात करूँ तो ATC मिला और ATE मिला, दो डिडक्शंस मिले, ATE
ATC और इसके अलावा इनकम फ्रॉम सैलरी मिला, ठीक है ना। चलो सम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा शेड्यूल रुपीस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। नेम ऑफ असेसी मिसेस दीपाली, प्रीवियस ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 17-18, रेसिडेंशियल स्टेटस RN OR। जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ये सब लिखना कंपलसरी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। फॉर्मेट हम पूरा बनाएंगे। यहां पर जो मिलेगा वो मिल जाएगा हमें ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। यहां से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और जैसे कि डिडक्शन की बात करें तो हमारे पास 2 डिडक्शंस है, ATE और ATC। तो हम दोनों लिखेंगे ATC और ATE। ATC का मतलब है स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, और ATE का मतलब हायर एजुकेशन इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन। ये माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। और ये अमाउंट में हम टैक्स पे करें जो यहाँ पर आंसर आएगा। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे सम में क्या क्या है। एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको हमने शेड्यूल नंबर 1 दे दिया। ये सब नहीं है तो जाने दीजिए, ठीक है। इसके अलावा ATC और ATE है, इतना ही है हमारा सम। तो हमें ये 2 चीज़ तो मालूम पड़ गई और बस हमें इनकम फ्रॉम सैलरी का आंसर निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मेट ऐसे ही होगा, नीचे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब हम जा रहे हैं सम स्टार्ट करने, तो पहले पेज पर हम ये बना लेंगे और नीचे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर्मेट बना लेते हैं। रुपीस पर्टिकुलर
और ये है हमारा शेड्यूल नंबर वन, इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। जितने हेड्स ऑफ इनकम होंगे उतनी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी होंगी। ये सब में सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसके लिए सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, राइट। नाउ ये हमारा वर्किंग का पार्ट है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा वर्किंग, यहाँ से जो आंसर आएगा उसे हमें यहाँ लेके जाना है, हमारा मेन आंसर ये है, क्लियर है। सब में आप देखेंगे, बुक्स में देखेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट नहीं है, बट हम हमारे लिए यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, राइट है। चलिए इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के पहले हमने पता किया था बेसिक सैलरी, तो सबसे पहले आ गया बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 60,000 पर मंथ, सो 60,000 इंटू 12 मंथ, तो 60,000 इंटू 12 इट्स 7,20,000, टैक्सेबल इसलिए आउटर कॉलम में डायरेक्टली। अब हम बात करते हैं, ये हो गया डीएनएस अलावेंस, तो हमारा डीए कितना है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, मतलब 7,20,000 का 40%, तो 7,20,000 इंटू 40%, ये आ गया 2,88,000। चलिए ये भी मिल गया, ये भी हो गया। हर एम्प्लॉयर हैज टेकन अ रेंट हर ओन हाउस एंड मंथली रेंट, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 13,000 पर मंथ है, ये आ गया हमारा हाउस रेंट अलावेंस, 13,000 इंटू 12 मंथ, सो 13,000 इंटू 12 ये आ गया 1,56,000। चलिए ये भी हो गया। आगे बात करें, मिस दीपाली फर्दर फर्निशेस फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सी हैज़ पेड प्रोफेशनल टैक्स, ये तो एंड में देखना है हमें। उसके अलावा ये हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, छोड़ देते हैं। सी हैज़ टेकन 2,00,000, कुछ भी नहीं है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में ये तीन चीज़ें ही थी, तो पहले सबको प्लस कर लेते हैं, ये आ जाएगी हमारी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी 7,20,000, 2,88,000 प्लस 1,56,000, ये आ गया 11,64,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो 16-2 और 16-3। पहला हो गया एंटरटेनमेंट अलावेंस और दूसरा हो गया प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स सब में दिया था ऑलरेडी, कितना प्रोफेशनल टैक्स 6,000। चलिए तो यहाँ से माइनस कर देते हैं 6,000, तो 11,64,000 में तो 11,58,000 ये आ गया हमारा नेट टैक्सेबल सैलरी, क्लियर है, 11,58,000। नाउ ये आ गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी इज ओवर। अच्छा सब में कहीं पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात हुई थी, चलिए देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ वहाँ पर क्या था, उसका इंटरेस्ट था 75,000। जैसा कि हमको पता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम उसको नंबर भी देते हैं शेड्यूल नंबर 2, बाकी तो नहीं इसके नंबर नहीं दे रहे, शेड्यूल नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर हमें पता है म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर एंड विच एवर इज हायर हायर स्टैंडर्ड, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है सब में, सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में बात हुई, वो भी हमने कैलकुलेट किया इसके लिए, राइट है ना। अच्छा इंटरेस्ट 1,75,000 ही है, सॉरी इंटरेस्ट है 1,75,000 एंड प्रिंसिपल है 1,00,000, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली, बात करेंगे हम कहाँ से, डिडक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। सो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो अगर आपको फॉर्मेट याद है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद हम माइनस करते थे म्यूनिसिपल टैक्स, तो हमें मिलता था नेट एनुअल वैल्यू,
इसमें से हम लेस करते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24 ए था 30% ऑफ एनीवे और 24 बी था इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ हमें ये पता है कि उसने 1,75,000 क्या पे किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा 1,75,000। सो ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,75,000, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए 1,75,000 क्या बन गया इसका इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर कुछ रूल्स थे सेक्शन 24 बी के, जैसे आपको याद होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ाया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन लोन में टू पार्ट्स किए थे, LOP SOPR, राइट है ना। SOPR का मतलब वो घर में वो खुद रहती है, LOP का मतलब वो घर रेंट पे। जैसा कि हमको पता है कि उसके पास एक ही घर है बट वो रेंट पे रह रही है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंपनी ने क्या किया है, उसको घर रेंट पे दिया है, तो ये घर में अगर वो रह रही है तो उसका खुद का घर तो खाली है, इसका मतलब वो घर क्या बन जाएगा LOP। और LOP में रूल्स क्या थे, LOP में एक ही रूल था कि जो भी इंटरेस्ट दिया होगा पूरा का पूरा माइनस करना, इसलिए मैंने 1,70,000 माइनस में लिखा है। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी। चले तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ गया 11,58,000 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आया 1,75,000, बाकी सब तो नहीं है हमारे पास तो माइनस कर देते हैं। 11,58,000 माइनस 1,75,000 तो 9,83,000 क्या बन जाएगा हमारा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, क्लियर है ना। अब हमें माइनस करना है ATC और ATE। जैसा कि हमने सम देखा है हमारे पास ATC के नाम पे 1,00,000 रुपये का डिडक्शन है और ATC में हम मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये का डिडक्शन मिल सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। और ATE में जितना इंटरेस्ट पेड किया सबका सब माइनस करेंगे तो ATE कहाँ गया, ATE 10,000, तो 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ हम भूल गए, सो सॉरी, 9,000 भी टैक्सेबल करना था इनकम फ्रॉम सैलरी में इंटरेस्ट ऑन लोन, सो सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था बट हम कैलकुलेट करना भूल गए, 9,000, 11,64,000 प्लस 9,000 11,73,000, ये 11,73,000 आएगा, माइनस 6,000 11,67,000, सो यहाँ पर भी आ जाएगा 11,67,000 माइनस 1,75,000, सो 11,67,000 माइनस 1,75,000 इज 9,92,000 और ये 9,92,000 में से हम ये दो डिडक्शन माइनस कर देंगे, माइनस 1,00,000 और माइनस 10,000, तो हमारी इनकम आ गई 8,82,000, मतलब मिसेस दीपाली टैक्स पे करेगी 8,82,000 पे, क्लियर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी, जैसा कि हमको पहले से पता था कि उसकी एज बिलो 60 है तो उसके लिए रूल क्या कि वो 0 to 2,50,000 कोई टैक्स नहीं पे करेगी, देन उसके बाद 2,50,000 से 5,00,000 वो 10% और 5,00,000 to 10,00,000 20% और 10,00,000 के अबाव गया तो 30%, इसकी इनकम कितनी आई 8,85,000, इसके लिए स्लैब रेट क्या आ जाएगा 20%, बट इसमें भी कुछ रूल्स हैं तो वो अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। जैसा कि मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ पीछे, 8,82,000 उसकी इनकम है, ये 8,82,000 में से 2,50,000 पे वो कोई टैक्स नहीं देगी, जो रूल था, रूल क्या है 0 to 2,50,000 कोई भी चार्ज नहीं, 2,50,000 to 5,00,000 10%, 5,00,000 to 10,00,000 20% एंड अबाउट 10,00,000 गया तो 30%, तो सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, 8,82,000 में से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, तो कितने अमाउंट बच गए,
1,82,000 माइनस 2,50,000, तो बच गया 6,32,000, राइट है। और 6,32,000 2,50,000 मतलब 2,50,000 चला गया, फिर कितने बच गए दोनों के बीच में, उसकी इनकम ये स्लैब में आती है यहाँ पर, तो 2,50,000 से 5,00,000 मतलब और 2,50,000 रुपए पे उसको सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा, और जो बच गया माइनस 2,50,000 3,82,000 उस पर चला जाएगा उसका 20%, ठीक है ना। तो मतलब टैक्स रेट कुछ इस तरह से निकलेगा, राइट। अगर आपको ये नहीं समझता है, अगर आपको ये नहीं समझ रहा है, तो मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि आपको फिर वही फॉलो करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट वही चीज़ फॉलो करेंगे। जीरो टू 2,50,000 निल, ठीक है ना। 2,50,000 to 5,00,000, तो 2,50,000 मतलब निल प्लस दोनों का डिफरेंस कितना है 2,50,000, तो 2,50,000 पे 10%, तो मैं ऐसा बोलूँगा अबाउट 2,50,000 पे 10%, तो 10% किस पे, अबाउ रुपीस 2,50,000। तो अगर हमारी इनकम मान लीजिए 3,00,000 रुपए आती है, मान लीजिए हमारी इनकम 3,00,000 आती है, तो निल प्लस 3,00,000 माइनस 2,50,000, तो 50,000 में 10%, तो 5,000, ठीक है ना। तो हम ये फॉलो करेंगे डायरेक्टली, अगर उसकी इनकम 5,00,000 to 10,00,000 है, तो हम फॉलो करेंगे निल प्लस ये दोनों का डिफरेंट 2,50,000, 2,50,000 पे टैक्स है 10%, तो 25,000 प्लस 20% अबाव 5,00,000। और अगर उसकी इनकम अबाव 10,00,000 है, तो निल प्लस 25,000 प्लस ये दोनों का डिफरेंस 5,00,000 रुपए, 5,00,000 पे 20% टैक्स है, तो मैं ऐसा बोलूँगा 1,25,000 प्लस अबाव प्लस 30% अबाव 10,00,000, राइट। अगर आपको ये नहीं समझा और ये नहीं समझा ये पूरी चीज़, तो हम डायरेक्टली अब ये फॉलो करेंगे। अब उसकी इनकम देखते हैं, उसकी इनकम कहाँ पर है, ये दोनों के बीच में है, तो हम ये फॉलो करेंगे निल प्लस 25,000 प्लस 20% अबव 5,00,000, ठीक है ना। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, क्या था निल प्लस 25,000, तो हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट है 8,82,000, और उस पर टैक्स कितना आ जाएगा, जैसा हमारा रूल था निल प्लस 25,000 प्लस 10% अबाव रुपीज 5,00,000, ये क्राइटेरिया में वो आ रही है, तो ना सिंपल सा, तो 25,000 और 5,00,000 के अबाव, तो 5,00,000 से ज़्यादा कितना है, 8,82,000 माइनस 5,00,000 कितना हो गया 3,82,000, तो 3,82,000 पे 10%, तो इनटू 10% ये हो गया 38,200 इसका, और प्लस 25,000 मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी आ गई 63,200, क्लियर है, राइट। नाउ ये आ गया उसका टैक्स, इस पे हम ऐड करेंगे एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस, और ऐड करेंगे हायर एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस 2% एंड 1%, किसका 2%, जितना हमारा टैक्स आया, तो 63,200 का 2%, तो ये 1,264 और 63,200 का 1%, 632, तो 63,200 प्लस 1,264 प्लस 632, 65,096, ये आ गया हमारा नेट टैक्स लायबिलिटीज,
मतलब इतने अमाउंट पे वो टैक्स पे करेगी। क्लियर है, राइट? जिस तरह से हमने सम किया है यही फॉर्मेट फॉलो करेंगे हम सब सम के लिए। ये हमारा मेन आंसर है और इसके बाद ये हमारा फाइनल आंसर है कि ये हमारा इतना उसकी टैक्स लाइबिलिटी। ये जो अमाउंट वो टैक्स का अमाउंट नहीं है, इतने पे वो टैक्स पे करेगी, तो इतने पे टैक्स कितना आएगा? 65,096। ये उसकी इनकम है, ये इनकम पे वो टैक्स पे करेगी 65,096। ओके,